दोस्तों, रिश्ते कभी भी ऐसे ही नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही मारता है, नफरत से, नज़रअंदाजी से और कभी कभी गलत फहमी से। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गलत फहमी के वजह से एक कुटुंब कैसे नाश हुआ है इसके बारे में बताना चाहती हूँ। एक छोटा सा परिवार था। इस परिवार में पति पत्नी अपने दो बच्चों के साथ खुशी से जी रहे थे। इन लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि पति सरकारी नौकर था और पत्नी टीचर थी। जिंदगी खुशी से चल रही थी। इसी बीच एक दिन पत्नी को गलत फहमी हो जाती है, क्योंकि पड़ोसी की एक औरत पत्नी के पास आके कहती है कि तुम्हारा पति दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। ये बातें सुनते ही पत्नी पूरी तरह टूट जाती है और पति के ऊपर शक करना शुरू करती है और घर में हर चीज़ के लिए झगड़ा करना शुरू करती है। आखिर में पति पत्नी के बीच बातचीत भी बंद हो जाती है, क्योंकि ये पत्नी अपना पति से बहुत प्यार करती थी। इसलिए पति दूसरी लड़की के साथ रहने की तो दूर की बात सोच भी नहीं सकती थी। उस रात फिर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है। तब पति गुस्से से घर से बाहर चले जाता है। तब पत्नी दृढ़ता से मानने लगी कि अपना पति का संबंध दूसरी लड़की के साथ है करके। उसी वक्त गुस्से में सीधा किचन गई और अपने आप को आग लगा दी। माँ जलती हुई देखकर बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब लोग आकर आग बुझाए, फिर भी 50% जल चुकी थी। उसके बाद हॉस्पिटल में जिंदगी का आखिरी 5 दिन कठिन से कठिन समय बिताते हुए अपनी जान तोड़ दी। दोस्तों, इस घटना में क्या सच है, किसकी गलती है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक छोटी सी गलत फहमी एक सुंदर कुटुंब को नाश कर चुकी है। कहने वाले हजार कहते हैं, अगर पति पत्नी के बीच विश्वास नहीं तो कोई भी अपना परिवार नाश कर ले सकता है। इसलिए संबंध के बीच प्यार के साथ साथ विश्वास भी मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि गलत फहमी का एक फल इतना जहरीला होता है जो प्यार भरे 100 पल को भी एक एक क्षण में बुला देता है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को मेरा मैसेज अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।